मेरे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामू धीर अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों बहुत सारे लड़कों ने ये कमेंट किया था कि सर आप TS रहमान का जो फॉर्म तो हम लोग को फिलअप करना बता दिया, आप उन लोगों का सिलेबस भी बता दीजिए कि TS रहमान में जो एंट्रेंस एग्जाम GP रेटिंग का होने वाला है उसका सिलेबस क्या होता है और कौन कौन सा क्वेश्चन और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बहुत सारे लड़कों का बार बार क्वेश्चन था, मैंने पर्सनली उनसे बात भी की और उनको ये बताया भी, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट आ ही रहा है कि सर इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं बना ही देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ नया जान लेते हैं। तो TS रहमान का तो फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है और उसका जो लास्ट डेट है वो 16 अप्रैल तक है, ठीक है। 14 अप्रैल हो गया और दो दिन तक उसका डेट है। आप भी अगर आप मिस किए हुए हैं तो TS रहमान का GP रेटिंग का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर मैंने बता दिया है, आप मेरा जाके प्ले लिस्ट में वीडियो देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। फॉर्म फिलअप होने के बाद इसका जो एग्ज़ाम है वो 2 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अगर एग्ज़ाम का डेट बढ़ भी सकता है, उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकता है, लेकिन आप अपना प्रिपरेशन करते रहें। अब मैं इन सबको छोड़कर डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ, जो हम लोग का आज का टॉपिक है कि TS रहमान यानी ट्रेनिंग शिपिंग रहमान में जो GP रेटिंग का जनरल पर्पज़ रेटिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ के मैंने वेबसाइट से ही सिलेबस का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया और मैं आपको क्लियर बाई क्लियर बताता हूँ कि उसका प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा हुआ है। और एक लड़का जो अभी वो मुंबई का ही एक लड़का है, वो TS रहमान में एंट्रेंस एग्जाम दे के कर भी रहा था कोर्स, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे घर भेज दिया गया है। सब लड़का अभी तो स्कूल बंद हो गया है, पूरा कॉलेज बंद हो गया। तो उसने भी मुझे बताया था कि सर ऐसा ऐसा प्रोसीजर होता है, और मैंने भी एक दफ़ा 2017 में एग्ज़ाम दिया था तो वो भी मैं आपको बताया था कि हम लोग का टाइम कैसा हुआ था, अभी चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले TS रहमान का जैसे ही आपको एडमिट कार्ड आएगा, आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे सेंटर पर, तो वहाँ पर पहले ही आपको वेरीफाई किया जाएगा और आपसे ये बात पूछा जाएगा कि क्या आपने ऑनलाइन अमाउंट जमा किया, यानी एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये जमा किया। अगर बोलेंगे कि नहीं हमने नहीं किया है तो आपको अलग कर दिया जाएगा और जो लड़के किए होंगे उनको बैठा दिया जाएगा। फिर आपसे बोला जाएगा कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर कैश देकर 500 रुपये फिर अपना एग्ज़ाम सेंटर में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब उसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। 1 घंटे की एग्ज़ाम होती है, 1 घंटे के एग्ज़ाम में 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन आपको कैसे फिलअप करना है, अब देखिए मैं आपको कैटेगरी वाइज तोड़ के बताता हूँ। 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में रहेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे और इंग्लिश में 10 नंबर का ऐसे आएगा और 10 नंबर का अप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, ठीक है। अप्लीकेशन हर साल एक ही आता है, राइट एन एन अप्लीकेशन योर इंस्टीट्यूट फॉर द एडमिशन रिगार्डिंग, ठीक है। यही इसका सब्जेक्ट रहेगा, उसी सब्जेक्ट पर आप अपने प्रिंसिपल को अप्लीकेशन लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल TS रहमान मैरीटाइम इंस्टीट्यूट नवी मुंबई पनवेल, सब्जेक्ट में टेक फॉर एडमिशन योर इंस्टीट्यूट फॉर GP रेटिंग, रिस्पेक्टेड सर आई बैक टू से दैट, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे वो किसी पर भी दे सकता है, ठीक है। अब मैं नहीं बता सकता ऐसे वो किस पर देगा, मैं अभी इंग्लिश की बता रहा हूँ। जो इंग्लिश 50 नंबर के आता है उसमें 10 नंबर ऐसे आएगा और 10 नंबर एक अप्लीकेशन आएगा। उसके बाद जो 30 नंबर का बच गया, 30 नंबर में आपका वॉयस नरेशन आएगा, उसके साथ प्रीपोजिशन आएगा, सिनोनिम एंटोनिम 1-1 सब्स्टिट्यूट्स और जितने भी रहेंगे, अब उसके साथ साथ आपको कंप्रिहेंशन भी पूछेगा, ठीक है। और यही सब मिलाकर तो मैंने आपको बता दिया कि वॉयस नरेशन प्रीपोजिशन कंप्रिहेंशन उसके साथ टेंस वगैरह का भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा, यानी जितना भी पूछेगा सब ग्रामेटिकली ही पूछेगा। तो ये 50 नंबर का इंग्लिश आपका आएगा, उसके बाद आपको 25 नंबर की मैथ बनानी पड़ेगी, ठीक है। 25 नंबर की मैथ में और ये सब जितने भी रहेंगे वो सब OMR शीट पर आपको भरना पड़ेगा, सिर्फ अप्लीकेशन और रेजे जो है वो आपको अलग से लिखना पड़ता है। अब जो OMR शीट आएगी उसके बाद अब जो मैथ आते हैं, मैथ 25 नंबर का रहेगा। 25 नंबर की मैथ में आपको सब 10 स्टैंडर्ड का ही रहता है, ठीक है। 10 स्टैंडर्ड के नीचे रहता है, उसके ऊपर नहीं रह सकता है। तो उसमें ट्रिकोनोमेट्री आता है, प्रॉफिट लॉस यानी प्रतिशत से भी क्वेश्चन पूछता है, SI सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यही सब क्वेश्चन उसे ज़्यादा रहते हैं, ट्रिकोनोमेट्री से भी क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद अलजेब्रा से भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। उसके बाद 25 नंबर की हम लोग बात करें तो 25 नंबर में आपका GK और GS यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस होता है और कुछ करेंट अफेयर भी पूछा जाता है।
ठीक है, तो इस पर प्रॉपर मैंने वीडियो बना दिया। 25 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर का इंग्लिश रहता है, 25 नंबर का मैथ रहता है, और 25 नंबर में जी के जी एस और करेंट अफेयर आता है। तो यही एक वीडियो थी। अगर आप लोगों को और भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कॉमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप वहाँ से जाकर मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।